हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। मेरे चैनल किचन धमाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भिंडी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। मैं इसे बहुत इजी प्रोसेस में बनाऊंगी, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ इसके बनाने का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने भिंडी को अच्छे से धोकर लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। इसी के साथ मैंने एक बड़े प्याज को भी लंबे और पतले पीसेस में काट लिया है। उसके बाद मैं मसाले बनाने के लिए ले रही हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्च, 1 टमाटर जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है, फिर 1 प्याज, इसे भी मैंने एक बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं चलती हूँ सूखे मसालों की ओर। सूखे मसालों में मैं लेती हूँ हल्दी पाउडर, ये है धनिया पाउडर, ये है गरम मसाला पाउडर, ये है सब्जी मसाला पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये है नमक, ये है पंचफोरन। इसमें 5 तरह के फ़ोरन होते हैं जो सब्ज़ी के टेस्ट को और भी बढ़ा देते हैं। तो अब मैं बनाने का प्रोसेस की तरफ चलती हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर रखूँगी। अब मैं इसमें 2 बड़े टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालूँगी। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें भिंडी डालूंगी। अब भिंडी को तेल में अच्छे से फ्राई करूंगी। इसे मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी धीमी आंच पर। उसके बाद मैं मसाले के पेस्ट रेडी करती हूँ। इसके लिए मैं मिक्सर का जार लूंगी, उसमें सारे कटे हुए चीज़ डालूंगी और इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लूंगी। बीच बीच में मैं भिंडी को चलाते रहूँगी, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। अब मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। और फ्रेंड्स, एक बात याद रहे कि भिंडी को कभी भी ढककर नहीं पकाते हैं, नहीं तो इसमें चिपचिपापन आ जाता है। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज ऐड करूंगी, इसे भी मैं भिंडी के साथ ही फ्राई करूंगी। इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए और पकाऊंगी। इसे मैं धीमी आंच पर पकाऊंगी। मेरी भिंडी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। अब भिंडी और प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब इसे मैं प्लेट में निकालूंगी। दोस्तों, भिंडी और प्याज को मैंने 70% तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसी कढ़ाई में फिर से 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्च और पंचफोरन डालूंगी। अब मैंने जो मसाले रेडी किए थे, अब वो मैं इसमें डालूंगी। दोस्तों, यहाँ पर मसाले थोड़ी सावधानी से डालें, नहीं तो आप जल भी सकते हैं। मसाले डालते टाइम गैस को लो फ्लेम पर रखें। अब मसालों को अच्छे से फ्राई करूंगी। मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। अब देख सकते हैं मसाले अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। अब देख सकते हैं मसाले मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। दोस्तों, मसाले तब तक फ्राई करने हैं जब तक कि इसमें साइड से तेल ना छोड़ दे। मेरे मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले डालूंगी। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सब्जी मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टेबलस्पून। अब मैं सारे मसालों को अच्छे से मिलाऊंगी।
और इसे बस 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। मसाले मेरे पक चुके हैं, अब मैं इसमें एक छोटी बाउल से 1 बाउल पानी डालूंगी। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राई करूंगी। मसाले अब रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ भिंडी और प्याज डालूंगी। अब मैं इसमें भिंडी और प्याज को मसालों में अच्छे से फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें कसूरी मेथी और नमक ऐड करूंगी। अब मैं भिंडी में 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड करूंगी ताकि सब्जी में बहुत अच्छी वाली फ्रेग्रेंस आ जाए। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि सारे भिंडी में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसे थोड़ी देर और फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी मसाला भिंडी कितनी ही मज़ेदार बनी है। देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर देखें। मेरी मसाला भिंडी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अब मैं मसाला भिंडी को किसी बाउल में निकाल लूंगी। मेरी मसाला भिंडी कितनी मज़ेदार बनी है आप देख सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप इस मसाला भिंडी को रोटी, पराठे या दाल चावल के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मसाला भिंडी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।